दोस्तों, आपने सुना होगा कि शंख को हिंदू धर्म में विशेष महत्व दिया जाता है और इसको अपने घर में रखना बहुत ही शुभ होता है। लेकिन क्या आपको पता है कि पूजा घर में शंख रखने से क्या फल प्राप्त होता है? आइए आपको इस वीडियो में बताते हैं शंख से संबंधित वो सारी बातें जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। दोस्तों, भगवान विष्णु और उनके अवतार भगवान कृष्ण का प्रतीक माना जाता है शंख। गदा, चक्र और कमल के फूल के साथ शंख भी श्री हरि विष्णु के चार पवित्र प्रतीकों में से एक है। कहा जाता है कि शंख विष्णु भगवान की दिव्य शक्ति और अधिकार का प्रतिनिधित्व करता है। आइए अब आपको बताते हैं कि शंख कितने प्रकार का होता है। पुरातन शास्त्रों के अनुसार सही प्रकार का शंख घर में रखने, उसकी ध्वनि को सुनने और उसकी पूजा करने से आपके सौभाग्य की वृद्धि होगी। इसलिए यह बहुत आवश्यक है कि हम ये समझें कि शंख कितने प्रकार के होते हैं और इनको घर में रखने से हमारे आसपास के वातावरण में क्या असर पड़ता है। शंख को भगवान विष्णु का प्रतीक माना गया है और इनके बनावट के आधार पर इनको मुख्यतया तीन प्रकार का माना जाता है। दक्षिणावर्ती, वामावर्ती और मध्यावर्ती शंख, जो कि सबसे कम प्रचलित है। शास्त्रों के अनुसार शंख की उत्पत्ति 8वें रत्न के रूप में समुद्र मंथन से हुई थी। अब आपको बताते हैं कि दक्षिणावर्ती शंख कैसा होता है। दक्षिणावर्ती शंख, जिसे श्री लक्ष्मी शंख भी कहते हैं, उसे धन धान्य और सौभाग्य वृद्धि के लिए सबसे शुभ शंख माना जाता है। ये दक्षिणावर्ती शंख टर्बिनेला पायरम प्रजाति के बड़े घोंघे के ऊपरी खोल से बनता है। इसका मुंह दक्षिण की ओर होता है और यह भगवान विष्णु का प्रतिनिधित्व करता है। इसे घर में रखने से घर की नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने और उसमें सकारात्मक ऊर्जा का विस्तार करने में सहायता मिलती है। आमतौर पर पाए जाने वाले शंखों के विपरीत दक्षिणावर्ती शंख में 3 से 7 की संख्या में सर्पिल आकार के खांचे बने होते हैं, जबकि अन्य प्रकार के अधिकतर सामान्य शंखों में आपको कोई भी खांचे बने हुए नहीं दिखेंगे। इस शंख का मुख आपको दाईं ओर को दिखेगा और इसको दाएं हाथ से पकड़ा जाता है। यह शंख इतने दुर्लभ होते हैं कि आज के समय में प्राकृतिक रूप से निर्मित दक्षिणावर्ती शंख को प्राप्त करना लगभग असंभव कार्य है और यही वजह है कि वास्तविक दक्षिणावर्ती शंख अगर कहीं है भी तो वो इतने महंगे हैं कि उन्हें खरीद पाना सबके बस की बात नहीं। अब जानते हैं कि वामावर्ती शंख कैसा होता है। जैसा कि इसके नाम से ही आप समझ गए होंगे, वामावर्ती शंख को दक्षिणावर्ती शंख के विपरीत माना जाता है, यानी इसका मुख बाईं ओर यानी उत्तर की ओर होता है। इस प्रकार के शंख को बाएं हाथ से पकड़ा जाता है। यह भगवान शिव का प्रतिनिधित्व करता है, इसलिए इस शंख को ज्ञान, शांति और मोक्ष का प्रतीक माना जाता है। इसे ध्यान और साधना के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इस प्रकार के शंख आपको दक्षिणावर्ती शंख की तुलना में आसानी से प्राप्त हो सकते हैं। वामावर्ती शंख को घर में रखने और बजाने के भी अनेक लाभ हैं, इसलिए आप इसको भी घर में रख सकते हैं। इस शंख को बजाए जाने पर इसके कंपन से मन बहुत शांत हो जाता है और विशेषज्ञों का मानना है कि इसकी ध्वनि से आपके घर और आसपास की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है। हृदय रोग विशेषज्ञों का कहना है कि जो व्यक्ति प्रतिदिन वामावर्ती शंख को बजाता है, उसे हृदय भंग यानी हार्ट अटैक होने की संभावना नहीं के बराबर होती है। हिंदू भक्त श्रद्धा पूर्वक मानते हैं कि शंख बजाने से देवी लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और उनकी कृपा से घर में सौभाग्य और सुख शांति आती है। आइए अब आपको बताते हैं शंख बजाने के वैज्ञानिक महत्व के बारे में। प्राचीन काल के प्रामाणिक शास्त्र सम्मत ज्ञान के अनुसार शंख से निकली ध्वनि पवित्र शब्द ओम के उच्चारण से होने वाले कंपन की ध्वनि का प्रतिनिधित्व करती है, जिसे ब्रह्मांड की प्राचीनतम ध्वनि भी माना जाता है। यानी ब्रह्मांड की शुरुआत भी इसी ध्वनि के साथ हुई थी। इस पर बहुत सारी रिसर्च हो चुकी है और ऐसा पाया गया है कि शंख की मधुर ध्वनि मन को बहुत शांति प्रदान करती है। मंदिर के घंटों की तरह जब शंख की ध्वनि गुंजायमान होती है तो सुनने वाले के मन में अंदर तक मधुर स्पंदन होता है, जो मन को बहुत सकारात्मक अनुभूति देता है। इसी कारण शंख का उपयोग ध्यान
और योग साधना में भी किया जाता है। कई अध्ययनों में ऐसा देखा गया है कि शंख की ध्वनि शांत और स्फूर्ति प्रदान करने वाली होती है, जिससे कि अभ्यासकर्ता को ध्यान लगाने और प्राणायाम करने में सहायता मिलती है। अब आपको बताते हैं शंख के प्रयोग में ध्यान रखने योग्य बातें। वास्तव में शंख एक प्राकृतिक वस्तु है और इसका उपयोग शास्त्र सम्मत और सही तरीके से करना बहुत आवश्यक है। आजकल टेक्नोलॉजी विकसित होने के साथ ही इसका दुरुपयोग भी बहुत हो रहा है। इसी कारण शंख भी कृत्रिम बनाए और बेचे जाने लगे हैं। आप यदि शंख का प्रयोग कर रहे हैं तो यह अवश्य ध्यान रखें कि अवैध और अप्राकृतिक रूप से बनाए गए शंखों का उपयोग करने से बचें। अब आपको बताते हैं कि शंख को घर में कैसे रखें। शंख को घर में रखने के लिए कुछ स्थान शुभ माने जाते हैं, जैसे इसे आप पूजा घर या मंदिर में रख सकते हैं, या आप इसको घर के मुख्य द्वार के पास रख सकते हैं, घर के पूर्व या उत्तर दिशा में भी रख सकते हैं, या फिर इसे आप घर के बीच में किसी पवित्र स्थान पर रख सकते हैं। अब हम आपको बताते हैं कि शंख को पूजा घर में कैसे रखें। शंख दिव्यता, पवित्रता और सौभाग्य का प्रतीक है। यह हिंदू समाज में एक अत्यधिक पूजनीय वस्तु है और इसका उपयोग दैनिक पूजन और यज्ञ, देवी देवताओं से प्रार्थना करने, महत्वपूर्ण अवसरों पर शुभ प्रारंभ करने और धार्मिक त्योहारों को मनाने के लिए किया जाता है। शंख को आप शुभ दिन, विशेषकर शुक्रवार को अपने पूजा घर में पूजित करके रखें। शंख को अपने पूजा घर की उत्तर या पूर्व दिशा में इस तरह रखें कि उसका नुकीला हिस्सा भगवान की मूर्ति की ओर हो। यदि आपके पास दक्षिणावर्ती शंख है तो उसे लाल कपड़े में श्रद्धा पूर्वक लपेट कर पूजा कमरे में रखें। अब हम आपको बताते हैं कि घर में कौन सा शंख रखना चाहिए। सबसे पहले आप सही शंख चुनकर उसे अपने घर के मंदिर में लाएं। ऐसा शंख चुनें जो आपके हाथों में आराम से समा जाए और बिना किसी कठिनाई के उसे आप बजा सकें। कुछ बड़े शंख बहुत भारी भी हो सकते हैं। चेक करें वह कहीं से भी टूटा हुआ ना हो और आप उसको आसानी से उठा पाएं। शंख खरीदते समय कुछ बातों का ध्यान अवश्य रखें, जैसे शंख का आकार आपकी आवश्यकताओं के अनुसार होना चाहिए। शंख की बनावट चिकनी और अच्छी होनी चाहिए। इसके अलावा शंख को आप अपने कान पर लगाकर ध्यान से सुने। शंख की आवाज सुरीली और स्पष्ट होनी चाहिए। अब जानते हैं कि शंख को कैसे रखना चाहिए। शंख को साफ और सुरक्षित रखना महत्वपूर्ण है, इसलिए इसको साफ करने के लिए हल्के साबुन और पानी का इस्तेमाल करें। शंख को धूप से दूर रखें और इसे सीधे तौर पर गर्मी के संपर्क में न आने दें। आप अपना शंख परिवार के अलावा न ही किसी को दें और न ही किसी अन्य व्यक्ति का शंख मांग कर अपने घर में लाएं। यह भी ध्यान रखें कि शंख एक ही रखें, क्योंकि एक से अधिक शंख रखना भी अपशकुन माना जाता है। अब आपको बताते हैं कि शंख कैसे बजाएं। शंख बजाना सीखने में कुछ अभ्यास की आवश्यकता हो सकती है। शंख बजाने के लिए आप इस वीडियो में बताए गए तरीके से अभ्यास कर सकते हैं। सबसे पहले आप शंख को अपने मुंह से लगाएं और अपने होठों को शंख के मुख पर मजबूती से बंद करें। शंख पर बहुत जोर से हवा भरें। यह एक मधुर ध्वनि उत्पन्न करेगा। ध्वनि की पिच और तीव्रता को नियंत्रित करने के लिए अपने होठों के दबाव और हवा के प्रवाह को समायोजित करें। जब आप शंख बजाना समाप्त कर लें तो अपने होठों को खोलें और धीरे धीरे हवा को बाहर निकालें। अभ्यास के साथ आप शंख से विभिन्न प्रकार की ध्वनियां निकालने में सक्षम होंगे। आप शंख बजाने का अभ्यास किसी शांत स्थान पर करें जहां आपको कोई परेशानी ना हो। शंख बजाने से पहले आप कुछ गहरी सांसें भी ले सकते हैं। यह आपको शांत होने और ध्यान केंद्रित करने में मदद करेगा। तो देखा आपने, शंख हमारे सनातन धर्म में विशेष सात्विक महत्व रखता है। विशेष करके असली दक्षिणावर्ती शंख मिल जाए फिर तो बात ही क्या, वह आपके लिए बहुत ही शुभ होगा। इन शंखों को घर में रखने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का विस्तार होता है और नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करिएगा, हमारे जस्टिन हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, जिससे कि आपको हमारे हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे, और साथ ही इस वीडियो को जमकर शेयर करिएगा। धन्यवाद।